हेलो फ्रेंड्स, करंट माइंड्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नो योर सेल्फ की सीरीज में देखेंगे अगला क्वेश्चन। हम इस सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल। इसके बारे में थोड़ी हम आपको बात बता दें कि वर्ल्ड की सबसे टॉप जो एजेंसी है सिक्योरिटी की, वो इसराइल की मानी जाती है। तो उसी का आपको नाम बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको 5 सेकंड में बताने हैं, आपका टाइम अप होता है। इसका सही जवाब है मोशाद। ये इसका लोगो है और ये सबसे वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी मानी जाती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विदाउट अ डेजर्ट इज, केवल इकलौता ऐसा महाद्वीप है, कोई एक महाद्वीप है जिसमें कि डेजर्ट नहीं पाया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। इस समय के अंतराल में आप सोच सकते हैं और आपका टाइम अप हुआ। तो इसका सही जवाब है यूरोप। यूरोप ऐसा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जहां पर डेजर्ट नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है इस सीरीज का, हाउ फार कैन द हबल टेलीस्कोप सी। हम हबल टेलीस्कोप से कितना दूर तक देख सकते हैं, तो हम आपको थोड़ा सा हबल टेलीस्कोप के बारे में बता देते हैं। हबल टेलीस्कोप एक स्पेस में एक ऐसा टेलीस्कोप नासा के द्वारा स्टेब्लिश किया गया, लगाया गया है, जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। एकदम वैसे टेलीस्कोप जैसे हम सूक्ष्म चीजों को देखते हैं, वैसे ही स्पेस की चीजों की स्टडी के लिए एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है हबल टेलीस्कोप। तो इसी के बारे में आपको बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस टाइम में आप सोच सकते हैं इसके बारे में, हम इसके बारे में फैक्ट और सारे बताएंगे। आपका टाइम अप हुआ। आंसर इसका है 10 टू 15 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। 10 से 15 बिलियन लाइट ईयर दूर तक ये देख सकता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स ये हैं कि हबल टेलीस्कोप को एडविन हबल ने बनाया था पहली बार। ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कॉस्ट कितनी है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप सभी जानते होंगे कि स्पेस में एक स्टेशन बनाया गया है जहां पे सैटेलाइट को रखा जाता है, वहां से निगरानी की जाती है सारे सैटेलाइट्स की, तो उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रीज मिलकर इसको बनाया गया है, कंट्री के द्वारा बनाया गया है और इसको भेजा गया है। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। आप इतने टाइम में आपको बताना है कि आपका आंसर क्या है। आपका टाइम अप हुआ। इसका आंसर है 15,000 करोड़ USD, मतलब US डॉलर। 15,000 करोड़ प्राइस है इसकी, ये 2010 की वैल्यू के हिसाब से। और ये स्पेस स्टेशन की फिगर भी दिख रही होगी आपको। इसका ऑर्बिट मतलब पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, ये उसकी डिस्टेंस है 408 किलोमीटर। चलिए एक इसमें रोचक बात करते हैं, अगर कोई टूरिस्ट इस स्पेस स्टेशन पर घूमने जाना चाहता है, तो उसी घूमने जाने के लिए कम से कम 15 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। और उसे जाने के लिए एक स्पेस एक्स नाम का कैप्सूल होता है जिसमें वो बैठकर जा सकता है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ डिस्क्राइब भी किया है, अ टूरिस्ट ट्रिप टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विद स्पेस एक्स विल कॉस्ट टूरिस्ट $15 to $52 million। ठीक है, तो इसके लिए ट्रेनिंग भी बकायदा दी जाती है, तभी आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के पास 52 मिलियन डॉलर आ गए तो सभी जा सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे प्राचीन फल कौन सा है। तो आपका समय शुरू होता है अब, जो कि खत्म होता है आपका समय। तो इसका भी आंसर है फिक्स। फिक्स को हिंदी में अंजीर बोलते हैं। ठीक है, फिक्स को बताया गया है कि ये सबसे प्राचीन कल्टीवेटेड फ्रूट है। ठीक है, इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेयरेस्ट ओर ऑन अर्थ। सबसे रेयरेस्ट मतलब सबसे कम पाया जाने वाला अयस्क पृथ्वी पे कौन सा है। आपका ऑप्शन
समय शुरू होता है अब, तो समय के हिसाब से आपका समय ये खत्म भी होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है पेनेट। पेनेट एक ऐसी धातु पाई जाती है, जेम्स है, मोती है, जो कि सबसे रेयरेस्ट है एंड सबसे कॉस्टली भी होती है, और इसका कॉस्ट है $60,000 US पर कैरेट। एक कैरेट की प्राइस $60,000 है। अगर इसको हम इंडियन रुपीस में देखें तो इसकी वैल्यू आती है 4536 एंड 249.07 रुपीस, इतनी इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। पेनेट्स आर फाउंड ओनली इन म्यांमार, केवल और केवल म्यांमार में पाया जाता है। द फर्स्ट पेनेट्स स्पेसिमेन, मतलब एक सैंपल जो पाया गया था अ सिंगल क्रिस्टल का, वॉज आइडेंटिफाई एज अ न्यू जेम्स, मतलब मोती स्पीसीज, इन 1957 में सबसे पहले ये पाया गया था म्यांमार में, और म्यांमार में ही ये पाया जाता है। द मिनरल्स इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम, ये मिनरल्स जो बना हुआ है वो एल्युमिनियम, कैल्शियम, बोरॉन, जिक्रोनियम एंड ऑक्सीजन से मिलकर ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस सीरीज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which coffee is most expensive in the world? पूरे विश्व में सबसे महंगी कॉफी कौन सी है? आपका समय ये शुरू हुआ, समय के अंदर ही आप सोचें और इसका आंसर दें। आप आई होप इसका आंसर सोच चुके होंगे। तो इसका सही जवाब है हमारा कोपी लुएक कॉफी, ठीक है। इसके पर पाउंड की प्राइस है $160, मतलब $160 होती है पर पाउंड की प्राइस। तो इसकी खासियत क्या है, आप ये सोचते होंगे इतना महंगा कॉफी कैसे है। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा नीचे कॉफी है एंड ऊपर एक जानवर की फोटो है जिसका नाम है एशियन पाल सिवेट्स, ठीक है। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें टेस्ट, डिलीशियस टेस्ट लाने के लिए इस कॉफी को पहले जानवर को खिलाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कड़वाहट होती है और इसके स्टमक में जाकर ये डाइजेस्ट होता है, इसके स्टमक से एंजाइम से मिलकर इसमें डिलीशियस टेस्ट आते हैं। हमारा कॉफी है, इसको हम इकट्ठा करते हैं, फिर उसको हम साफ करते हैं, साफ करने के बाद उसको हम फिर से ड्राई करके इसको हम यूज में लाते हैं, इसीलिए हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी हो जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, Which country is also known as the land of thousand lakes? किस देश को thousand lakes यानी झीलों, हजारों झीलों का भूमि मानी जाती है? तो ऑप्शन, आपका समय शुरू हुआ है अब, तो समय में ही आपको आंसर सोचना है। आई होप इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर है सही फिनलैंड। फिनलैंड ऐसा जगह है जिसको बुलाता है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, इज इट 24 आवर और 24 आवर्स, दोनों में से कौन सा सही है कहना, 24 आवर या फिर 24 आवर्स, दोनों में से क्या कहना सही है? तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो आई होप आप, दो ही ऑप्शन है, या तो 24 आवर होगा या फिर 24 आवर्स होगा। तो इसका सही आंसर है 24 आवर, ठीक है। द करेक्ट वे टू से इज 24 आवर, लेकिन 24 आवर्स भी सही होता है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है, बिकॉज आवर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, ये एक यूनिट होता है टाइम का, ठीक है। इटसेल्फ इसका मतलब ही खुद होता है एक, ठीक है। इवन विद अदर यूनिट प्लूरल, 24 24 आवर्स जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसको यूज किया जाता है अगर हम आपसे बोले आप 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो बताता है एक दिन में आपने कितना समय दिया, उसको बताता है 24 आवर्स। लेकिन हम जब भी बोलेंगे तो 24 आवर की बात करेंगे, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, हु इज द ब्रदर ऑफ सेवन सिस्टर्स, ये काफी लाजवाब क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर्स का ब्रदर कौन है? तो आपका समय ये है 5 4 3 2 1, आपका समय समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर है सिक्किम। पहले तो सेवन सिस्टर्स कौन से हैं? सेवन सिस्टर जो ईस्टर्न होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे पार्ट हैं हमारे भारत के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय,
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा जो कि नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा है हमारे भारत का, तो इसमें जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है इसका ब्रदर जो है वो सिक्किम है, इसको बोला जाता है ओनली ब्रदर ऑफ द सेवन सिस्टर्स, इसी चीज को बोला जाता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द स्नैक्स इमोजी, स्नैक इमोजी जो हम मैसेज में यूज करते हैं इमोजी, उसमें स्नैक इमोजी का मीनिंग क्या होता है टेक्स्टिंग में, तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको अच्छे से ढूंढ के बताना है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसका आंसर जानने के लिए स्टे ट्यून्ड करेंट माइंड्स, एंड हम इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे, आप सब इसका आंसर जानेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग इसका आंसर है, ठीक है। तब तक के लिए करेंट माइंड्स में जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, आपको इस सीरीज में कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा आप हमें इसको जरूर डिस्कस कीजिए, और अगर आपके भी माइंड में कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।